सो गाइस वेलकम टू एक्सप्लोर वाई आर एस चैनल एंड आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे देश के 7 ऐसे शहर जहां पर ग्रीनरी को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। तो इस लिस्ट में नंबर 7 पे है आपका देहरादून सिटी जो कि उत्तराखंड स्टेट की राजधानी है और वहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है तथा हिमालय की तलहटी में स्थित होने के कारण साल भर यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी सुहावना रहता है एंड ये शहर अपने पर्यटन स्थलों के लिए भी जाना जाता है। वहीं नंबर 6 पे है आपका गुवाहाटी सिटी। ये असम राज्य का सबसे बड़ा नगर होने के साथ ही पूरे पूर्वोत्तर भारत का एक मुख्य शहर भी है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी और सिलोंग स्टोन के बीच स्थित है जिस वजह से ये शहर प्राकृतिक नज़ारों से भरा हुआ है। नंबर 5 भोपाल सिटी मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है और भोपाल जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी तथा इस शहर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई छोटे बड़े तालाब हैं जो कि इस शहर के पर्यटन का एक मुख्य केंद्र भी माने जाते हैं। नंबर 4 मैसूरू सिटी कर्नाटका। यह चामुंडी हिल्स के आधार पर स्थित भारत के सबसे प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में से एक है जो कि पैलेस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है एंड वहीं इस शहर का 38% एरिया ग्रीनरी से कवर्ड है। वहीं नंबर 3 पे आपका चंडीगढ़ सिटी। ये हमारे देश का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर के रूप में भी जाना जाता है एंड इस शहर की एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ ग्रीनरी के साथ साथ यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। नंबर 2 तिरुवनंतपुरम केरला। इसे त्रिवेंद्रम के नाम से भी जाना जाता है जो कि केरल राज्य की राजधानी होने के साथ ही दक्षिण भारत के सबसे तेजी से उभरते शहरों में से एक है तथा ये शहर 7 तटीय पहाड़ियों पर स्थित है जिस कारण यहाँ का मौसम बड़ा ही सुहावना रहता है। नंबर 1 गांधीनगर सिटी गुजरात। ये गुजरात राज्य की राजधानी है जो कि अहमदाबाद से उत्तर में साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है एंड इस शहर को हरित नगर यानी कि ग्रीन सिटी भी कहा जाता है एंड यहाँ की सड़कों पे आपको इंडिया के बाकी शहरों की तुलना में कहीं अधिक ग्रीनरी देखने को मिलेंगी।